नमस्ते। मंडल दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 7 अगस्त 1990 को, मतलब ये जो अगस्त महीना है इसकी 7 को 1990 मंडल कमीशन की रिपोर्ट का एक सिफारिश वो लागू हुई। और समझिए कि पूरी दुनिया इस तरफ से उस तरफ जैसे हो गई, भारत में उसके बाद जो एक सोशल अपहेवल, सामाजिक उथल पुथल जो हुई, उसने देश और समाज को इतना बदल दिया कि आप भारतीय इतिहास को 2 में बांट कर देख सकते हैं, प्री मंडल एंड पोस्ट मंडल। मतलब कि 7 अगस्त 1990 से पहले देश दूसरी तरह का था और 7 अगस्त 1990 के बाद ये देश दूसरी तरह का हो गया। अब मैं इतनी बड़ी बात अगर कह रहा हूँ तो इसको मैं आप बहुत सारे लोग जो सहमत होंगे वो ठीक है, लेकिन जो असहमत होंगे उनको मैं वो सारे आर्गुमेंट देने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय इतिहास को अगर 2 में बांटा जाए, 2 में बांटा जाए आज़ादी के बाद के पूरे भारतीय इतिहास को, तो ये 2 पीरियड या 2 इरा या 2 इपॉक ये होगा, एक प्री मंडल एक पोस्ट मंडल। और वो इसलिए है क्योंकि इसके बाद न देश वैसा रह गया, न समाज वैसा रह गया, न राजनीति वैसी रह गई, न डिस्कोर्स वैसा रह गया, न बहस वैसी रह गई, सारा कुछ उथल पुथल हो गया। टेक्स्ट बुक बदल गए, सारी चर्चाएं बदल गई, यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया, ऑफिसेज बदल गए और ऑफिसेज में जाकर लोगों का एक्सपीरियंस बदल गया। ये सारा कुछ हुआ उस एक ऐतिहासिक घटना की वजह से जिसको हम जानते हैं मंडल कमीशन रिपोर्ट का लागू होना, और वो दिन है 7 अगस्त 1990 का दिन। उस दिन क्या हुआ, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उनके पास मंडल कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, और चर्चाएं चल रही थी कैबिनेट में क्या करें, इस रिपोर्ट का क्या होगा, और इसके बाहर समाज में तमाम तरह के आंदोलन भी चल रहे थे। और उस दिन कैबिनेट का एक फैसला अनाउंस हुआ कि मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें हैं उसमें से सिर्फ एक सिफारिश, जो कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण लागू करना है, इस एक फैसले को सरकार स्वीकार करती है और अब से केंद्र सरकार की नौकरियों और पीएसयूज में जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें 27% आरक्षण लागू होगा। यह कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर आप भारत में राज्य सरकार, क्योंकि इसका फैसला फिर राज्य सरकारों पर भी हुआ, इसके तमाम राज्यों में भी ये लागू हुआ, स्थानीय निकायों में लागू हुआ और केंद्र सरकार में लागू हुआ, तो ये जो 3 हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय, जहां पर आरक्षण लागू है, 27% आरक्षण लगभग ज़्यादातर जगह लागू हो गया है, वो इतना बड़ा है कि ये कुल नौकरियों की संख्या आज से 4-5 पहले का डाटा है लेबर ब्यूरो का, और वो बताता है कि 1,78,00,000 नौकरियां हैं। तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से क्या होगा, 500-700 नौकरियां इधर से उधर हो जाएंगी, नहीं साहब, ये कम से कम मतलब लगभग 2-2.25 करोड़ नौकरियों का मामला है, और इसका 27% का अगर मोटे तौर पर हिसाब जोड़ें तो लगभग ये 50,00,000 नौकरियों का मामला है। मतलब 50,00,000 परिवार सीधे तौर पर इस फैसले से उनकी ज़िंदगी पर फर्क पड़ता है। हर साल की नियुक्तियों के हिसाब से नहीं मैं बोल रहा हूँ, पूरी जो मंडल कमीशन का दायरा है उसके अंदर लगभग समझिए कि ओबीसी के लिए 50,00,000 नौकरियां हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर बहुत बड़ी बात नहीं होती तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद वो कोहराम न मचता, देश भर में दंगे, हजारों बसें जलाई गई, ट्रेनें रोकी गई, कम से कम 12-13 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इसका विरोध किया था उन्होंने अपने शरीर पर आग लगा लिया। मतलब ये छोटी बात नहीं है, अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर कोई यूथ आग लगा ले, आप समझिए कि वो कितना वो उसकी घृणा हो या कितनी उसकी हताशा हो, आप इसको जिस तरह से भी देखना चाहें, जहां से देखना चाहें, कि अगर इनको ये नौकरी मिल जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या कर लूँगी। मतलब इतनी बड़ी उथल पुथल इस देश में मची। उसके बाद आपको बीजेपी ने मंदिर का आंदोलन तेज कर दिया, सरकार गिरती है और उसके बाद फिर जो जो होता है वो सब आपको मालूम है, और फिर धीरे धीरे मंडल कमीशन लागू होना शुरू होता है। इसका अगला चरण, दूसरी सिफारिश लागू होती है 2006 में जाके, जब अर्जुन सिंह, जो मनमोहन सिंह सरकार, UP1 की सरकार है,
उसमें उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू कर देते हैं। अब देखिए मंडल कमीशन की दूसरी रिपोर्ट का उसका इम्प्लीकेशन क्या है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप ले लीजिए, टोटल इस समय करीब 45 या 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, निफ्ट, ये सब मिलाकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक एजुकेशन का फील्ड है जिसको कि ये फैसला प्रभावित करता है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक गणित सीधा बता रहा हूँ। लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर ग्रेजुएट कोर्सेज में 55,000 से 60,000 स्टूडेंट्स हर साल आते हैं। अब इसमें से 27% आरक्षण लागू हो गया, तो मान लीजिए मोटे तौर पर 15,000 से 16,000 स्टूडेंट OBC के गारंटीड हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में हर साल आएंगे। 13 साल इस फैसले के लागू हुए अगर हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि हर साल अगर 16,000, बल्कि कुछ लोग तो खैर OBC के जनरल मेरिट वगैरह में भी आते हैं, उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ मंडल कमीशन ना होता तो 16,000 स्टूडेंट सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना आ रहे होते OBC के। आप समझ रहे हैं, इतना अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं होता तो इतनी उथल पुथल नहीं मचती, इतने मतलब इतना बड़ा उत्पात दिल्ली में लगभग 30 दिन तक जो चला, मतलब कितने लोग उसमें मरे, कितने मतलब हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन का। तो ये एक बहुत गंभीर किस्म का मामला है और इसलिए इसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। अब ये तो सिर्फ नौकरी की बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ नौकरी की बात है? राजकाज में हिस्सेदारी, शासन में हिस्सेदारी, राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी, मतलब कि ये मेरा भी देश है, इसकी चेतना का विस्तार नए सामाजिक समूह में होना, ये कितना बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है, ये नेशन बिल्डिंग का कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उन सामाजिक तबकों को जिनको लगता था कि इस राष्ट्र के चलाने में हमारे लोग तो हैं ही नहीं, तो हमारा ये राष्ट्र है भी कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जब आज़ादी के 50 साल बाद जब ये क्वेश्चन आने लगा तब मंडल कमीशन लागू होता है, ताकि इन लोगों को लगे असल में ये सब अगर नहीं होगा ना, अगर ये इन सोशल क्लासेस को इस तरह से इनके महत्वाकांक्षाओं को और इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश नहीं होगी तो ये एक खूनी क्रांति की ओर धकेलने की कोशिश होगी इस देश को। इसलिए भी इन जो असंतोष है इसको मिटिगेट करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से जो लगभग इस समय अगर भारत में आप देखिए कैसे, क्या एक सिक्वेंस आपको बता रहा हूँ, जब 77 से 79 के बीच में बिहार में OBC रिजर्वेशन लगाने की कोशिश हुई और कर्पूरी ठाकुर ने इसको लागू कर दिया, वो संभवतः 26% रहा होगा, और उसके बाद पूरे बिहार में जिस तरह की आग लगी, उस समय का कवरेज मैं देख रहा हूँ और बिहार के उस समय के अखबारों की बहुत बड़ी आर्काइव, बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास है, तो लगभग आप समझिए कि सैकड़ों शहर उबल पड़े, मतलब कि इतनी जगह गोलियां चली, इतनी जगह कर्फ्यू लगा, इतनी जगह आपको पैरामिलिट्री बुलानी पड़ी बिहार में, आपको जब कर्पूरी ठाकुर ने OBC आरक्षण लागू किया तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, दोनों पक्ष से हिंसा हुई, विधानसभा के बाहर गोलियां चली, मतलब जो इधर प्रदर्शन करते थे तो इधर वाले गोली चला देते थे, कहीं पुलिस गोली चला देती थी, कहीं ट्रेन रोकी जाती थी, ट्रेन जलाई जा रही थी। ये हुआ 1977 से 79 के बीच का जब हुआ। इसकी तुलना में 91 का जो मंडल कमीशन का लागू होना, ये कंपेरेटिवली बहुत वायलेंट था, बहुत वायलेंट था। में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि वो कितनी बड़ी हिंसा दिल्ली, कानपुर और इन सारे शहरों में, पटना में और आपको बनारस और इलाहाबाद में कितनी बड़ी हिंसा हुई थी, जयपुर में आपको, चंडीगढ़ बहुत बड़ा सेंटर था उस वायलेंस का, मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन का, तो वो हिंसा थी। लेकिन वो आपको उसकी इंटेंसिटी बिहार या इस तरह के और राज्यों में जिस तरह से जब OBC आरक्षण लागू हुआ उतनी नहीं थी। उसके 2006 का आंदोलन आप देखेंगे जब अर्जुन सिंह वाला हुआ तो आंदोलन और सुस्त पड़ा और सिर्फ एम्स और उसके आसपास के कुछ डॉक्टर वो झाड़ू लगा रहे हैं और हाय हमारे साथ अब शादी क्या हमें इन्हीं दलितों पिछड़ों के साथ करनी पड़ेंगी, वो लड़कियों का प्रदर्शन, ये सारा तमाशा उस समय हुआ। लेकिन उसमें फिर वायलेंस बहुत कम था, एक वायलेंस हुआ, एक OBC युवक को संभवतः जला दिया गया, जल गया, जो भी हुआ वो ऋषि गुप्ता, उसको रामलीला मैदान में जलाया गया, वरना 2006 मोटे तौर पर शांतिपूर्ण था। और इसकी तुलना में अब आप देखिए नीट पर OBC आरक्षण लागू हो रहा है, लगभग नेशनल कंसेंसस है, मतलब कोई एक भी प्रोटेस्ट न पक्ष में न विपक्ष में, एक लागू होता है सारे लोग स्वागत करते हैं, लगभग सारी पार्टियां स्वागत करती हैं। तो आप देखिए मंडल कमीशन ने जो एक, ये 27% ही तो है, ये मंडल कमीशन के बगैर नीट का आरक्षण तो नहीं है ना, ये वहीं सताया है। तो देखिए अब मंडल कमीशन को लेकर किस तरह की एक राष्ट्रीय स्वीकृति है, पूरा देश मान रहा है कि OBC को इतना तो देना ही पड़ेगा,
आप इसके बगैर इनका काम नहीं चलता है, आप देश की 52 से 60% आबादी को इससे कम में समेट कर नहीं रह सकते। आज देखिए ना, नीट को लेकर कोई विरोध आपको नजर आया? नीट को लेकर कितनी शांति से लागू हुआ, छोटी बात नहीं है। 4000 डॉक्टर्स, उसमें 2500 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, MD MS, एक एक डॉक्टर के औकात आप समझते हैं उनमें से कितनी हैसियत है उनकी। एक एक नर्सिंग होम खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, बड़े डॉक्टर्स जो हैं मास्टर्स की डिग्री वाले स्पेशलिस्ट बनते हैं। 4000 डॉक्टर्स की पोजीशन, जो अदरवाइज जो आमतौर पर सवर्णों के पास, द्विज जाति, अपर कास्ट, ऑपरेसर कास्ट, कुछ भी बोलिए, उनके पास चली जाती, वो अब ओबीसी के पास आ रही है। और देश कितनी शांतिपूर्ण ढंग से इसको स्वीकार कर रहा है कि ना ठीक है, देना पड़ेगा। ओबीसी को अगर नहीं देंगे तो ये देश चल नहीं सकता है। आप समझिए कि 1900 मतलब मंडल कमीशन का का जो गठन है 1979 में, और आज ये कितने साल की यात्रा है, कुल मिलाकर आप देखिए 40 साल के अंदर में मंडल कमीशन को लेकर कैसा कंसेंसस है देश में कि ना इतना देना पड़ेगा। इसमें कोई कोर्ट भी अब इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा रही है, इतना तो देना पड़ेगा मिनिमम। तो पूरे देश में लगभग इसको लेकर कंसेंसस है। 2-4 जगह जहां ओबीसी में वो चेतना का स्तर नहीं है, या सवर्ण जहां ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो आपको छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में, वहीं 27% नहीं है, वरना जनरली पूरा देश 27% आरक्षण के लिए तैयार हो गया है। ये मंडल कमीशन की एक राष्ट्रव्यापी स्वीकृति है, ये एक्सेप्टेंस है, ये मान लिया गया है कि इतना मंडल कमीशन हमें अब इस देश में, उसके बगैर ये देश नहीं चल सकता है। तो ये कुल मिलाकर आपका पोस्ट मंडल इंडिया है, जिसमें कि आपको ओबीसी की पॉलिटिक्स अब सब लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भारत का इससे पहले याद कीजिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपनी जाति, अपनी कैटेगरी बताई होगी? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बताई होगी जहाँ तक मुझे लगता है, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, इवन देववाड़ा ने भी कोई, मैं वो ओबीसी होते हुए भी कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ, पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, हम मुझे नीच कह दिया, हाँ मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ इसलिए मुझे नीच कह दिया। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी प्रोजेक्ट, जो पहली बार कोई नेता या अपनी जात को पहली बार इतना अफ्रंट करना, उनके लिए मतलब उनकी जाति के सम्मेलन हो रहे हैं, मतलब ये भारतीय इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ये पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जात को इतना अफ्रंट कर दिया, इतना सामने ले आया है और इसको पब्लिक डिस्कोर्स का विषय बना दिया है। चुनाव में उत्तर भारत का कोई चुनाव वो ऐसा नहीं होता है जिसमें वो 3-4 भाषण ऐसे ना दें जिसमें कि ये ना बोले कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। तो ये है नया भारत, जहाँ पर आप ओबीसी की बात तो करनी पड़ेगी, अगर आपको इवन कम्युनल पॉलिटिक्स भी करनी है, बदमाशी की भी पॉलिटिक्स करनी है, तो ओबीसी की बात करनी पड़ेगी, ओबीसी के मंत्री बनाने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ हुई है मंडल कमीशन ने, उसको लेकर एक कंसेंसस हासिल कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, जो लोग खास करके जिनके इतिहास में दिलचस्पी होगी उनको, वो इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स जानते होंगे। देखिए, मौलिक तौर पर जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो आया है SC और ST के लिए ही, खास करके शुरुआत में जो उस समय की अछूत जातियां हैं, जिनके साथ छुआछूत अभी भी होती है, हालांकि किसी न किसी रूप में अब जो नए सर्वे आए हैं, तो अछूत जातियां जो हैं उनको अगर आप हिंदू फोल्ड का हिस्सा न माने तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये आरक्षण का इतिहास का बेसिक है, और यहीं से आपको जब वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फिर बाबा साहब जो अपना एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हम हिंदू फोल्ड के अंदर नहीं है, हमारा भी अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे कि मुसलमानों या सिखों का है उस तरह का, हमारा भी अलग होना चाहिए। फिर उसके खिलाफ गांधी का एक आमरण अनशन की धमकी, और फिर आमरण अनशन पर बैठ जाना और प्रचंड रूप से ये धमकी देना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दलितों को इस देश में फिर आप समझ लो कि उनके साथ कितनी हिंसा होने वाली है। तो गांधी की बहुत ये बहुत हिंसक आमरण अनशन था, जिसमें जिसका अंडरटोन ये था कि मैं बैठ गया हूँ अनशन पर, थोड़े दिन में तुम्हारे खिलाफ अब हमले शुरू हो जाएंगे, जो हमले शुरू हो गए थे आपको मालूम है वो किस्सा कि पुणे पैक्ट किस दबाव में हुआ। उस समय के अखबार वगैरह आप देखिए कि वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश वगैरह में दलितों पर हमले शुरू हो गए। अब बाबा साहब कितना प्रेशर में थे कि अगर मैं इस समय इस व्यक्ति को मर जाने देता हूँ तो हमारे कितने हजार लोग मरेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो हम एक बहुत मजबूरी में उन्होंने पूना पैक्ट उनको करना पड़ा कि ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है इसको अब मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब बहुत वॉयलेंट हो गया है आप लोगों का विरोध। आप तो बोल रहे हैं कि मैं शांतिपूर्ण अनशन पर बैठा हूँ, लेकिन आपके शांतिपूर्ण अनशन बैठने पर आपको मालूम है कि दलितों के खिलाफ हमले शुरू हो जाएंगे, आप उन हमलों को तो रोक नहीं रहे हो।
उन हमलों को होने दे रहे हो, आप एक शब्द नहीं कह रहे हो कि हमले मत करो दलितों पर, तो आप एक बहुत वायलेंट तरीके से मेरे साथ आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे अपने लोगों की जान प्यारी है इसलिए मैं पूना पैक्ट कर लेता हूँ। तो बाबा साहब वहाँ पर पूना पैक्ट करते हैं, और उससे फिर वो निकलता है कंसेशंस कि ठीक है आपको उस आपके अपनी इंडिपेंडेंट हिस्सेदारी तो नहीं देंगे, लेकिन आपको बदले में कुछ देंगे, हम छुआछूत को लेकर प्रायश्चित करेंगे, हरिजन सेवक संघ बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हिंदू समाज अपना प्रायश्चित करे, और आपको हम प्रतिनिधित्व भी देंगे, लेकिन वोटर सभी होगा। मतलब ये एक तरह से पॉलिटिकल रिजर्वेशन का अभी का जो स्कीम है वो बना कि शेड्यूल कास्ट की सीट होगी, वोट सभी देंगे। तो भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी तो है नहीं जहाँ शेड्यूल कास्ट 20-25 या 30% से ज़्यादा हो, तो शेड्यूल कास्ट का वही कैंडिडेट जीतेगा जो अपर कास्ट की बात मानेगा या बाकी नॉन शेड्यूल कास्ट की बात मानेगा। तो ऑब्वियसली बहुत कमजोर कैंडिडेट जीत के आएंगे शेड्यूल कास्ट सीटों से, यही असल में अभी तक की कहानी है। शेड्यूल कास्ट के हितों की बात करने वाली कोई पार्टी जो अग्रेसिवली बात करेगी वो शेड्यूल कास्ट सीट नहीं जीत सकती है, क्योंकि वोटर सभी है। आप अगर शेड्यूल कास्ट के हित की बहुत एग्रेसिवली बात करेंगे तो आप हारेंगे ना। तो ये कहानी बनी, और उसी में फिर कि नौकरियों वगैरह में भी आरक्षण देंगे, और इस पर फिर पार्लियामेंट में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती है, और आर्टिकल 340 आता है। इसके अलावा 16(4) भी आता है कि जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए सरकार या शासन जो है वो आरक्षण के प्रावधान कर सकता है, और इससे जो इक्वलिटी प्रिंसिपल है ये बाधित नहीं होता है। समानता का मतलब सब लोग समान उस तरह से नहीं है, कुछ को आपको अंडर रिप्रेजेंटेटेड जो है उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, जो आर्टिकल 16(4) है। और इसी से एक इसी का विस्तार है जब आर्टिकल 340 में सोशियो एंड एजुकेशनली सोशल एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए एक आयोग बनेगा और उसके लिए प्रावधान किए जाएंगे। तो इसमें आप इसकी डिबेट अगर आप देखेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में तो आप देखेंगे कि इसको लेकर एक तरह से उस समय उसको पोस्टपोन किया गया, थोड़ा सा रोका गया कि SC ST को तो अभी हम दे देते हैं, और OBC की चूंकि अभी पहचान वगैरह हुई नहीं है, अभी इसका एक स्टडी वगैरह भी नहीं हुई है, कैसे बनेगा क्या है कितने हैं कुछ नहीं मालूम, तो इसको नई जो आने वाली सरकार है नई जो आने वाली संसद है उस पर छोड़ देते हैं। तो 340 को पोस्टपोन किया गया, रोका गया इसके जरिए कि OBC का आरक्षण जो है उसको रोका गया, या OBC के हित में जो योजनाएं बननी है उसको रोका गया। आर्टिकल 340 की डिबेट अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके बहुत पक्ष में थे कि OBCs के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ा एक तरह से सामाजिक ग्रुप है, जिसको वो भूवर शूद्रास वगैरह में डिफाइन भी करते हैं कि ये लोग हैं, ये किसान और कारीगर जातियाँ और मेहनत कर जातियाँ, ये बड़ा सोशल ग्रुप है। तो बाबा साहब का फिर आप इस्तीफा वाला लेटर देखिए, मुझे लगता है अभी तुरंत आप निकाल कर देख सकते हैं, गूगल पर मिल जाएगा बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर। दो मेजर वो बड़ी वजह बताते हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ नेहरू कैबिनेट से। उसमें पहली वजह तो वो हिंदू कोड बिल बोलते हैं, इसके अलावा एक और वजह बताते हैं कि मुझे मतलब वो काम ही नहीं दिया गया जहाँ मैं काम कर सकूँ, तो आपने ऐसी जगह डाल दिया लॉ मिनिस्ट्री में जहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बना हुआ लॉ है उधर सुप्रीम कोर्ट है, और आप मैं इसमें करूँगा क्या, मतलब मेरे लिए मतलब वो कायदे से इकोनॉमिस्ट थे तो वित्त मंत्रालय जैसा उनको कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि उससे बड़ा उस समय अर्थशास्त्र का कोई विद्वान तो था नहीं, मतलब ना उतनी डिग्री थी ना उतनी किताबें अगर किसी ने लिखी थी, तो उनको वित्त मंत्रालय की जगह एक छोटा सा मंत्रालय पकड़ा दिया गया बिल्कुल जहाँ कोई काम नहीं था। लेकिन मुख्य जो दो वजहें उन्होंने बताई है, एक तो कि हिंदू कोड बिल, कि मैं हिंदुओं का जब तक इस देश में उनका रिफॉर्म नहीं होगा तब तक भारत का कोई भला नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद को हिंदू मानते हैं, हिंदू हैं, और उनके अंदर कोई रिफॉर्म हुआ नहीं है बहुत लंबे समय से, उनमें जो मतलब शादी के कोड्स ढंग से नहीं बने हैं, इनहेरिटेंस मतलब विरासत कहाँ किसको जाएगी कुछ भी मतलब कोडिफाई नहीं है, सब कुछ बहुत हिफाजत है, तो इसको एक कोडिफाई करते हैं। तो हिंदू कोड बिल उनके इस्तीफे की पहली वजह है। और अगर आप में से कुछ लोगों ने निकाल लिया हो गूगल पे बाबा साहब का रेजिग्नेशन तो आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि OBCs के लिए हमने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने आर्टिकल 340 बनाया था, और हमें उम्मीद थी कि सरकार बनते ही उनके लिए काम शुरू हो जाएगा, तत्काल शुरू हो जाएगा, और आप इस काम को पोस्टपोन कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस काम को पोस्टपोन करें, लेकिन आप इसको पोस्टपोन कर रहे हैं मेरे बार बार कहने के बावजूद, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो OBC के क्वेश्चन पर बाबा साहब इस्तीफा देते हैं, ये आप रेजिग्नेशन लेटर या उनका जो पार्लियामेंट का इस्तीफे से पहले की स्पीच वगैरह है वो सब में भी आप देख सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इतिहास में दर्ज है, कोई इसमें अलग फैक्चुअल अलग नहीं हो सकता, ओपिनियन अलग हो सकती है कि उन्होंने OBCs के लिए और ज़्यादा क्यों नहीं किया, और OBCs के लिए बाकी लोग क्या कर रहे थे क्या हो रहा था, तो खैर जो भी हो।
तो इसके बाद सरकार पर दबाव पड़ा कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया है और अपना लॉ मिनिस्टर ही छोड़ के चला जा रहा है मंत्रालय, बहुत दबाव पड़ जाएगा, ओबीसी के अंदर से दबाव आने लगा। तो उन्होंने नेहरू कैबिनेट ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, काका कालेलकर कमीशन। लेकिन काका कालेलकर साहब खेल कर गए, रिपोर्ट में तो उनकी मोटे तौर पर यह थी कि इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाएं, लेकिन अपनी सिफारिश में उन्होंने कह दिया कि ये सिफारिशें लागू करने लायक नहीं है और ये हो नहीं सकता है, मतलब ये अनटेनेबल है, मतलब इसको एक्सेप्ट न किया जाए, ऐसी लगभग सिफारिश उन्होंने कर दी। तो ये रुक गया मामला वहाँ पर। लेकिन इस बीच में क्या है कि जो खास करके कृषक, पशुपालक जातियाँ और कारीगर जातियों का उत्थान इस बीच शुरू हो गया, धीरे धीरे एजुकेशन नीचे जाने लगा था, तो इनके अंदर चेतना भी आने लगी। फिर इनको ये भी लगा हमारी इतनी संख्या है, तो धीरे धीरे पार्लियामेंट वगैरह में जो पिछड़े वर्ग हैं इनके प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ने लगी। दक्षिण भारत में ये पहले से ही चल रहा था, आपको पूरा तमिलनाडु, पूरा जो कर्नाटक है ओबीसी का, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एसर्शन था ओबीसी का उभार आपको। फिर आंध्र प्रदेश में, केरल में आपको इडवा जाति और तमाम तरह की, और कर्नाटक में कुरुबा और ये वो कलिगा, ये सारी जातियाँ देखिए धीरे धीरे इमर्ज कर रही हैं। यही 60s और 70s में देवराज अर्ष आते हैं, बहुत सारी चीज़ें 70s में देवराज अर्ष आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओबीसी का धीरे धीरे इमर्जेंस बढ़ रहा है, तो इसको सेंस तो कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि इसको पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का गणित उस समय तक ये था कि अगर हम अपर कास्ट पूरी तरह मेरे पास है 100% ऑलमोस्ट, तो यहाँ से मैं मुसलमानों को सुरक्षा का आश्वासन देकर इनको अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा देना नहीं है, और दलितों को अपने साथ रखते हैं ये बोलते हुए कि हम आपके लिए भला कर रहे हैं, तो दलितों को भी आपको राजकाज में ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी नहीं देनी, खास करके बड़े पदों पर। तो बड़े पद मैं सारे, जो कांग्रेस के नाते सारे बड़े पद में अपर कास्ट को दे दूंगा, और इनको मैं एक कुछ एक तरह से लॉलीपॉप या झुंझुना की तरह मुसलमानों और दलितों को समेट कर रख लूंगा। तो इनसे इनका गणित बन जा रहा था, मतलब इनका एक इक्वेशन बन जा रहा था, पॉलिटिकल इक्वेशन, अपर कास्ट एज लीडर और उसके अलावा वो वोटर भी, और उसके अलावा दलित और मुसलमान वोटर, इससे उनका गणित बन जा रहा था। तो पिछड़ी जातियों का वो प्रतिनिधित्व करना, सबको तो आप कैसे दे देंगे, अगर 100 सीट है तो आप बांटेंगे ना, किसको देना है किसको नहीं देना है, उसका मेजर चंक जब आपने अपर कास्ट को ऑलरेडी दे दिया, मुसलमानों को आपको कुछ देना ही है, दलितों की सीटें जितनी रिजर्व है उतनी उनको देनी है, तो आपके पास पिछड़ी जातियों को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस के पास। तो धीरे धीरे वहाँ पर उस गैप में बहुत सारी पार्टियाँ आने लगी। लोहिया ने इस गैप को सबसे पहले पहचाना और पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा देकर उन्होंने पिछड़ी जातियों को समेटना शुरू किया। इधर चरण सिंह ने भी जो अपनी किसान पॉलिटिक्स के जरिए सारी किसान और पशुपालक जातियों को समेटना शुरू किया। बिहार और पूर्वी यूपी में वो कहते भी थे भाषण में कि मुझसे बड़ा यादव कौन है, और मतलब वो सारे उनके पार्टी में कई कुर्मी नेता ये सब भी आपको आए, और एक तरह से वो एक उभार, पिछड़ा उभार हुआ। इसको कांग्रेस किसी तरह से दबा कर रख रही थी। अब इसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उसको लगता है कि ये एक कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो उसकी जगह इंटैक्ट है, वो तो कहीं अभी गया नहीं है, बहुत बड़े संख्या में अभी भी मुसलमान और दलित उनके साथ है और अपर कास्ट अभी भी उनके साथ है, तो ये तो बहुत दिक्कत होगी, ये इसको कैसे मैनेज करें। तो इन्होंने फिर सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में गठित कर दिया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, कि आपको अपनी रिपोर्ट दीजिए, पिछड़े वर्गों के लिए हमें कुछ करना है। अब इस रिपोर्ट का काम थोड़ा लंबा खींचने लगा, उस बीच में जनता पार्टी की सरकार आ गई और इंदिरा गांधी फिर जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। इंदिरा गांधी ने उस समय एक अच्छा काम ये किया कि वो चाहती तो यहाँ पर मंडल कमीशन को अपनी कार्रवाई समेटने को कह सकती थी, सुविधाएँ समेटने और एक्सटेंशन न देती तो यहाँ मामला फंस जाता, लेकिन उन्होंने जो नीचे से जनता का दबाव भी इतना था कि उन्होंने मंडल कमीशन को अपना कार्य पूरा करने दिया। 1981 में मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट ज्ञानी जैल सिंह को जाकर ये सौंप आए। इसमें बहुत सारी सिफारिशें हैं, तमाम तरह की सिफारिशें हैं। अभी यूपी के नेता, ओबीसी नेता पता नहीं क्या सोचकर प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करते हैं। अगर उन्होंने मंडल कमीशन को एक बार भी पढ़ा होता, समाजवादी पार्टी के एक भी नेता ने अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होती, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, खास करके जब तक प्रतिनिधित्व उनका पूरा नहीं हो जाता है। तो वो ये कह सकते थे कि एससी और एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को भी चाहिए। खैर, इस देश में न पढ़ने का चूंकि एक चलन है, और इसको बहुत कई लोग कहते हैं कि मैंने तो किताब छुई नहीं, उसको गर्व के साथ भी कहते हैं, तो ये खैर ऐसे ही देश है,
तो खैर जो भी हुआ तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट फिर आके सरकार के पास जमा हो, लेकिन कांग्रेस की मंशा नहीं थी उस समय भी इसको लागू करें। कांग्रेस को उस समय भी लग रहा था कि पोस्टपोन कर सकते हैं, कोशिश करें तो पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन पिछड़ा इस बीच में उभार शुरू हो गया। आप याद कीजिए कि इसी समय आपको मुलायम सिंह, इधर आपको लालू यादव और बहुत सारे पिछड़े नेता इस बीच में इमर्ज होने लगे थे पूरे भारत में। आपको उधर डीएमके की ताकत बहुत बढ़ गई, आपको ओबीसी के तमाम नेता मध्य प्रदेश से, ये महाराष्ट्र से खास करके, ये सब से, कर्नाटक से, इन जगहों से ओबीसी के नेता और मध्यवर्ती जातियां जो हैं जिसमें कुछ ओबीसी की लिस्ट में नहीं भी हैं लेकिन उनको हिस्सेदारी चाहिए, वो जातियां खड़ी होने लगी। तो इस बीच में मान्यवर कांसीराम भी मंडल कमीशन को लागू करने के लिए देश भर में, मेरा अपना अनुमान है कि 300 के आसपास सभाएं करते हैं और संसद के आसपास वो संसद के सामने घेराव प्रदर्शन करते हैं, जनता तक इस बात को पहुंचा देते हैं कि ओबीसी तुमको कुछ मिला नहीं है, तुमको कुछ चाहिए तो वो मंडल कमीशन में है, तुमको वो हिस्सा मांगना चाहिए। तो ये सारा कुछ इस सारी परिस्थितियों में, और एक राजनीतिक परिस्थिति भी तैयार हुई थी, वो देवीलाल उस समय बागी हो गए थे और तमाम वजहों से स्थितियां चाहे जो भी रहीं, उन स्थितियों में बीपी सिंह बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी और इसके बाद तो आप समझते हैं कि दुनिया बदल गई। तो ये जिस तरह से सारा कुछ हुआ, ये मैं मानता हूँ और बहुत सारे राजनीति विज्ञानी इस बात को मानते हैं, इसमें क्रिस्टोफ जेफरले से लेकर बहुत लोग इससे सहमत हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है। और मैं इसको आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव मानता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से इस समय सब मिलाकर टोटल लाभार्थियों की संख्या अगर आप देखें मंडल कमीशन के, तो वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ परिवार बहुत बड़ी संख्या होती है, वो मतलब हर परिवार में अगर 5 सदस्य भी जोड़ लें और फिर उस पर और निर्भर और लोग होते हैं, एक परिवार पर निर्भर, एक नौकरी पेशा लोगों पर, कई तरह के लोग निर्भर होते हैं, तो आप एक तरह से शहरी मध्य वर्ग जो ओबीसी का बनना शुरू हुआ उसमें, उस गति को मंडल कमीशन ने बहुत तेज कर दिया। शहरों में ओबीसी पहली बार आने लगे, इसलिए आप देखेंगे किसी भी शहर में जो पुरानी कॉलोनी है, पुरानी जो रईसों की कॉलोनी होती, किसी भी शहर में आप चले जाइए भारत में, आप दिल्ली में अगर उस शहर का नाम समझिए कि उन कॉलोनीज का नाम, अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनीज, डिफेंस कॉलोनीज, शांति निकेतन, ग्रेटर कैलाश, इन कॉलोनी में आपको ओबीसी का एक भी मकान नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं, आप पूरे की पूरी कॉलोनी को छान लीजिए, आपको ओबीसी का आपको एक भी घर नहीं मिलेगा। तो ये प्री मंडल कमीशन है, जिस समय ओबीसी शहरों में नहीं आ रहा था और वहाँ उनकी कोई उपस्थिति नहीं थी। साउथ एक्सटेंशन, कलकत्ता में आप देख लीजिए, गड़ियाहाट, बालीगंज, ओबीसी का आदमी कहाँ पर आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। मतलब सेंट जो आपको पुणे में डेक्कन का जो इलाका है, आपको जिम खाना के आसपास की जो कॉलोनी है उसमें आपको ओबीसी कहाँ मिलेगा, एक ओबीसी नहीं है। पुरानी किसी कॉलोनी में आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, किसी कॉलोनी में नहीं मिलेगा, एक दो अगर 1,000 में मिल गया तो बहुत है। तो ओबीसी का सारा जो इमरजेंस है, जो उनका मध्य वर्ग बना है, आज की तारीख में आपको मिल जाएगा। आप नई जो कॉलोनीज बन रही हैं शहरों के बाहर बाहर, वहाँ देख लीजिए, ओबीसी आपको मिलेगा, घर बनाया, दो मंजिला, 3 मंजिला, गाड़ी खड़ी है बढ़िया से, बच्चा विदेश भेज रहे हैं। तो ये प्रक्रिया नहीं होती अगर मंडल कमीशन नहीं होता, मंडल कमीशन के बगैर ये संभव नहीं था, ये होने नहीं दिया जाता, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं कर रहा था, कोर्ट इसमें लगातार अड़ंगे डाल रहा था। तो आपको ये, हालांकि अड़ंगे इसके अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे अड़ंगे, आपको क्रिमिलेयर का एक अड़ंगा डाला गया, आपको प्रमोशन में अपने आरक्षण के पूरे प्रोसेस को एक तरह से स्कटल कर दिया गया, इसके अलावा नॉट फाउंड सुटेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा, यूपीएससी का एक रिजर्व लिस्ट का एक अलग षड्यंत्र है कि हर साल वो 100 के आसपास कैंडिडेट की रिजर्व लिस्ट लाते हैं, उसमें कौन होता है पता नहीं, और अचानक से फिर बाद में वो चुपचाप भर दी जाती है, हर साल होता है, अभी भी होगा, इस साल भी होगा, और हम लोग पर्याप्त नाराज नहीं है तो इसलिए फिर से होगा, पिछले साल ओम बिरला की बेटी का उसमें हुआ था। तो ये सारे सवाल हैं, और ये मतलब एक आखिरी चीज़ जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन ने जब अपना काम शुरू किया तो उनको आंकड़े चाहिए थे और वो आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, सरकार से मांगे उन्होंने लेकिन सरकार के पास भी आंकड़ा तो था नहीं। 1931 की जनगणना की रिपोर्ट इनको पकड़ा दी गई, इसी से काम चलाइए। 1931 के बाद समझिए दुनिया कितनी बदली है, आबादी का इधर से उधर माइग्रेशन, इधर उधर शहरीकरण, तमाम तरह से हुआ है, लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर इनको मोटे तौर पर अपनी रिपोर्ट लिखनी पड़ी। थोड़ा बहुत सर्वे, कुछ सेमिनार्स, कुछ पिटीशंस मंगा के, कुछ मतलब उसको मैनेज करने की कोशिश हुई, तो भी मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिश से पहले ही, मतलब प्रस्तावना में ही पहले ही पन्ने पर लिख दिया कि मंडल कमीशन वाला, हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि आंकड़े नहीं थे, तो अगली जो भी जनगणना हो उसमें आंकड़े इकट्ठा करा लिए जाए।
तो अब ये काम, एक और प्रोजेक्ट आपका अधूरा है एक तरह से भारत के, मतलब एक तरह से भारत के लोकतांत्रिकरण का, कि वो आंकड़े इकट्ठे हों और उसके हिसाब से पॉलिसीज बने, स्कॉलरशिप आए, उसके हिसाब से बैंक का लोन जो है वो भी चीज़ को टोटल बैंक रिम्बर्समेंट में दो चार बैंक के आंकड़े जो मैंने मंगाए तो जो अंदाज़ा लग रहा है मुझे कि वो उनको कुल जमा जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, 40-50% या उससे भी ज़्यादा बैंक में जमा करते हैं OBCs के लोग, लेकिन बैंक लोन उनको 5-7% से ज़्यादा नहीं मिलता है, वो सारा पैसा फिर किसी और सोशल क्लास की तरक्की में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे सवाल उठेंगे आगे चलकर। और देखिए ना, एक चीज़ आप सोचिए कि अगर भारत की 50-60% आबादी विकसित नहीं होगी तो ये देश क्या विकसित होगा, मतलब झंडा की ऊंचाई थोड़ी बढ़ा देने से देश तो नहीं विकसित होता है। तो भारत की आधे से ज़्यादा आबादी का प्रश्न है और इसलिए मंडल कमीशन ने उनके लिए एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया और इसकी बुनियाद आर्टिकल 340 और फिर बाबा साहब के इस्तीफे में है। महत्वपूर्ण दिन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर लें, शेयर बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इसमें मेरा कोई हित नहीं है लेकिन ये है कि अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, यही हित है। हो सकता है कि इसमें कोई नई डिबेट, कुछ नए लोग इसको और देखें, समझने की कोशिश करें, तो शेयर बटन आप इसमें ज़रूर दबा दें।